ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू अपने गरीब मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू दूसरी क्लास में पढ़ता था। उसे पढ़ना तो अच्छा लगता ही था, साथ ही उसे अलग अलग डिजाइन वाली पेंसिलें और रंग बिरंगे रबड़ भी बहुत अच्छे लगते थे। दूसरे बच्चों के पास रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ देखकर उसका भी वैसी ही पेंसिल रबड़ लेने का बहुत मन करता था। मम्मी, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह रंगीन पेंसिल और रबड़ चाहिए। लेकिन पैसे ना होने के कारण मम्मी पापा उसे मना कर देते थे। बेटा, वैसे पेंसिल और रबड़ बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए गट्टू ने अब अपने मम्मी पापा को रबड़ पेंसिल के लिए कहना छोड़ दिया था। लेकिन वो हमेशा सोचता था कि एक दिन मेरे पास भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंसिल और रबड़ होंगे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहा था, तभी स्कूल के पीछे वाली रोड पर उसे तीन रंग बिरंगी पेंसिल और तीन रंग बिरंगे रबड़ दिखे। अरे वाह, ये पेंसिल और रबड़ तो बहुत अच्छे हैं। ये कहकर उसने उन्हें उठा लिया। वाह, इन रबड़ में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ये हैं किसके? उसने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, क्यों ना इसे मैं ही रख लूँ? ये सोचकर उसने उन्हें अपने बैग में रखा और घर लौट गया। शाम को वो होमवर्क करने लगा तो उसे याद आया, मेरे पास वो नई वाली पेंसिल और खुशबू वाले रबड़ भी तो है, आज मैं उसी से होमवर्क करूँगा। उसने अपने बैग से वो वाले पेंसिल और रबड़ निकाले और उनसे होमवर्क करने लगा। तभी अचानक मम्मी उसके पास आई। गट्टू, क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं इन पेंसिल और खुशबू वाले रबड़ से स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ। लेकिन ये वाली पेंसिल और रबड़ तुम्हारे पास कहाँ से आए? मम्मी, आज जब मैं स्कूल से लौट रहा था तब स्कूल के पीछे वाले रोड पर मुझे ऐसी तीन पेंसिल और तीन रबड़ मिले। और तुमने इन्हें रख लिया? हाँ मम्मी। ये गलत बात है गट्टू, तुम्हें इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए था। लेकिन मम्मी, वहाँ कोई भी नहीं था। ये जरूर स्कूल से निकलते वक्त किसी बच्चे के बैग से गिर गए होंगे, तुम कल ही इसे स्कूल में प्रिंसिपल को दे देना। पर मम्मी, ये बहुत सुंदर है और मुझे ऐसी ही पेंसिल रबड़ चाहिए थे। गट्टू, हमें कभी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हारी किस्मत में ऐसी रंग बिरंगे रबड़ और पेंसिल होंगे तो तुम्हें कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। मम्मी के समझाने पर गट्टू मान गया। ठीक है मम्मी। अगले दिन गट्टू उन तीन पेंसिल और तीन रबड़ के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस गया और उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर, ये पेंसिल और रबड़ मुझे स्कूल के पीछे वाली रोड पर मिले थे, ये आप रख लीजिए और जिसके हो उसे दे दीजिए। ठीक है गट्टू, ये तुमने बहुत अच्छा किया, सभी को तुम्हारी तरह ईमानदार बनना चाहिए। प्रिंसिपल की बात सुनकर गट्टू बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। प्रिंसिपल ने प्योन को बुलाकर कहा, तुम सभी क्लासेस में जाकर ये बता दो कि किसी को तीन सुंदर सी पेंसिल और तीन खुशबू वाले रबड़ मिले थे, उसने उन्हें मेरे पास जमा करवाया है, इसीलिए वो जिस किसी के भी हैं वो छुट्टी होने से पहले आकर मुझसे ले जाए। प्योन ने ऐसा ही किया। जब ये बात गट्टू की ही क्लास में पढ़ने वाले पिंटू को पता चली तो उसने सोचा, वो तो मेरे पेंसिल और रबड़ है, मैं अभी जाकर उन्हें प्रिंसिपल सर से ले लेता हूँ। वो क्लास से बाहर आया और प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ चल दिया। वो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा ही रहा था तभी उसने सोचा, मैंने तो गुम हुए पेंसिल और रबड़ मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन वो सब तो मुझे इतनी आसानी से मिल गए। ये सोचकर वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। प्रिंसिपल सर, वो मेरे पेंसिल और रबड़ है। अच्छा पिंटू, तो लो अपने पेंसिल और रबड़। खोए हुए पेंसिल और रबड़ देखकर पिंटू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मेरे पेंसिल और रबड़ मिल ही रहे हैं तो मैं तीन पेंसिल और तीन रबड़ क्यों लूं? मैं तो पांच पेंसिल और पांच रबड़ लूंगा। और उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर,
ये तो बस 3 पेंसिल और 3 रबड़ है, जबकि मेरे तो 5 पेंसिल और 5 रबड़ गुम हुए थे। क्या? हाँ प्रिंसिपल सर, मेरे साथ चीटिंग हुई है। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत प्योन को बुलाया। राजू, जल्दी से गट्टू को बुला कर लाओ। प्योन जल्दी से गट्टू को बुला लाया। प्रिंसिपल ने गट्टू से पूछा, गट्टू तुम्हें कितनी पेंसिल और रबड़ मिले थे? सर, मुझे 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले थे। लेकिन पिंटू तो कह रहा है कि उसकी 5 पेंसिल और 5 रबड़ गुम हुए थे, तो बाकी के 2 पेंसिल और 2 रबड़ कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर, मुझे जो मिला था मैंने सब आपको दे दिया। तभी पिंटू ने कहा, सर ये झूठ बोल रहा है, जरूर इसने ही बाकी की पेंसिल और रबड़ अपने पास रख लिए हैं। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, और अगर मुझे पेंसिल और रबड़ चुराने होते तो मैं सारे पेंसिल रबड़ ही रख लेता। आपको 3 पेंसिल रबड़ भी क्यों वापस करता? हमें क्या पता तुमने ऐसा क्यों किया। तभी प्रिंसिपल ने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, गट्टू सही कह रहा है, अगर उसे पेंसिल और रबड़ रखने ही होते तो वो कुछ भी वापस नहीं करता और सारे ही रख लेता। लेकिन सर मेरी पेंसिल और रबड़। पिंटू, तुम्हारी 5 पेंसिल और 5 रबड़ घूमे थे ना, इसका मतलब ये है कि गट्टू को जो 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले थे वो तुम्हारे नहीं है, और क्योंकि अभी तक कोई भी इन पेंसिल और रबड़ को लेने नहीं आया है, इसलिए गट्टू की ईमानदारी से खुश होकर ये 3 पेंसिल और 3 रबड़ मैं गट्टू को देता हूँ। ये सुनकर गट्टू बहुत खुश हुआ। उसने आगे आकर प्रिंसिपल से वो पेंसिल और रबड़ ले लिए। थैंक यू सर। जबकि पिंटू ये देखकर बहुत दुखी हुआ। वो जानता था कि उसके सामने उसके पेंसिल और रबड़ किसी और को दिए जा रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब अगर वो सच बोलेगा तो प्रिंसिपल सर उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे, इसलिए वो चुपचाप खड़ा ये सब देखता रहा। लालच में पड़कर मैंने ये क्या कर दिया। इस तरह गट्टू को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला और पिंटू को उसके लालच की सजा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।